हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई वेब सीरीज रिलीज होती है दोस्ती को लेकर, प्यार को लेकर, या फिर कॉलेज लाइफ जर्नी होती है जिसमें, स्कूल लाइफ जर्नी होती है जिसमें, वो सीरीज कहीं ना कहीं हमें बहुत पसंद आती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसे रिलेट करते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढते हैं। और ऐसी ही एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, बहुत ही फेमस वेब सीरीज है ये, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। देखा जाए दोस्तों, तो इस सीरीज में प्यार और दोस्ती को लेकर कंफ्यूजन दिखती है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वहीं काफ़ी अलग अलग इमोशंस भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो करण वाही और नकुल मेहता स्टारर सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड का दूसरा सीजन बहुत जल्द लोगों के बीच आने वाला है। एक बार फिर से इस सीरीज में प्यार और दोस्ती दिखाई जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारा कन्फ्यूजन। देखा जाए दोस्तों, तो नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड की जो कहानी है वो जिंदगी की कैनवस को बहुत सारी इमोशंस के साथ साथ दोस्ती के अलग अलग रंगों से सजाती है। फिल्म की कहानी थी दो बेस्ट फ्रेंड की, तानी बराड़ और सुमेर सिंह ढिल्लो। डेटिंग से लेकर अपने राज एक दूसरे से शेयर करने तक वो एक दूसरे से काफी करीब हैं। स्कूल लाइफ से निकलकर वो कॉलेज लाइफ में जाते हैं, फिर भी उनका रिलेशन वैसा ही रहता है। वो जिंदगी का सफर एक साथ जी रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आ जाए किसी को नहीं पता, और यहाँ भी ऐसा ही होता है। इसी के साथ इनकी जिंदगी बदल जाती है। अब आगे क्या क्या होता है, अगर आपने सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखी तो आपको जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, खबरों की माने तो इसका सीजन 2 बहुत जल्द सामने आने वाला है। एक बार फिर से इस सीरीज में करण वाही, नकुल मेहता, सारा जैन जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में इन लोगों से इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया कि फिल्म में काम कर कितना मजा आया अपने को एक्टर्स के साथ। सभी एक्टर्स ने कहा कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और वो एक्साइटेड है सेकंड पार्ट के लिए। वेल, एक्साइटेड तो हम भी है सेकंड पार्ट के लिए कि आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। आपको कैसी लगी थी ये सीरीज, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज़।